और 1 बजे रात के 1:30 आप देख सकते हैं। वेलकम बैक, स्वागत है आपका फिर से कांग्रेस। सो गाइस, आज है ट्यूजडे, 1 बज रहे दिन के 2। तो बस मैं कॉलेज से आ गया था 10:30-11 बजे के आसपास, फिर आया और क्या रात को मैं लेट सोया था, सुबह जल्दी उठ गया था तो थोड़ी नींद आई थी, तो 1 घंटा से रेस्ट किया और फिर उठा भी, नहा के रेडी हो गया। और मेरा ये प्लान है कि अभी 3 बजे निकलूंगा मैं स्नूकर खेलने के लिए, पार्क सर्कस के आसपास है वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे अभी लास्ट मंथ गए थे शायद, हाँ मतलब वही 15-20 दिन हो गए गए हुए, तो इतना दूर पड़ता है, कभी कभी जाते हैं, मतलब महीने में 1-2 बार जाते हैं। तो बस अभी हम लोग जाएंगे, हम लोग 4 जन जाएंगे, मेरा एक फ्रेंड डायरेक्ट आएगा बाहर से, उसको कोई काम से बाहर गया है, और हम लोग 3 जन यहाँ से जाएंगे। तो बस गाइस, हम लोग जाएंगे और मैं आपको बता सकता मोटा मोटा। सो गाइस, फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं, ज़्यादा मैंने पहले मोटो व्लॉग किया नहीं, किया पीछे बहुत जाम था भवन रोड में, और हम लोग ये पहुँचा है डलहौजी, और यहाँ से अभी दिखा रहा है गाइस करीब 3.7 किलोमीटर 17 मिनट, यहाँ से चलते हैं अपन, हाँ 3.9 किलोमीटर गाइस। तो मुझे फटाफट पहुँचते हैं और मैं सीधा मैं आपको वहाँ जाके मिलता हूँ, क्या है वही नॉर्मल रोड है जो आपको रोज़ दिखाते हैं हम लोग। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक्शन क्यू। तो बस ये बाइक यहाँ पार्क कर दी, हमेशा हम लोग आते तो बाइक यहीं पार्क करते हैं, तो बस ये बाइक भी पार्क कर दी है और उन लोग का फ़ोन भी आ गया, तो बस ये फटाफट निकलते हैं, मतलब अंदर जाते हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक्शन क्यू, आप देख सकते हैं, और आज हम लोग करीब 4 बजे के आसपास पहुँचे, तो पूरा खाली अपन शायद शुरुआत करनी है आज के दिन की, कवर चढ़ाया हुआ आप देख सकते हैं। तो बस ये फटाफट, एक और हमारा फ्रेंड आ रहा है कुछ काम से बाहर गया, तो वो आता है तो बस अपना फ्री गेम स्टार्ट करते हैं। A few moments later. So guys, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग ने वहाँ पे स्नूकर खेला, बहुत मज़ा, और इतना कुछ मैंने दिखाया नहीं अंदर का, और गाइज इतना मज़ा है, हम लोग करीब 4 लोग आए थे यहाँ पे, और मैं और क्रिस तो अभी जा रहे हैं वापस घर, और मेरे जो 2 फ्रेंड हैं वो लोग ऊपर मोटो करके कहीं बाहर जा रहे हैं, उनका और कोई स्कूल फ्रेंड के साथ प्लान है, मैंने बोला ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग निकलते हैं घर। तो बस अभी चल रहे हैं घर गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 7, हम लोग गाइज यहाँ पे तो आ तो गए थे करीब 4:15-4:30 तक, फिर मेरा फ्रेंड जो एग्ज़ाम दे के आया था उसको थोड़ा लेट हो गया था, वो जाम में फंस गया था, इसलिए उसका आते आते 5 बज गए थे, और फिर अभी हम लोग ने करीब 1.5 घंटा नहीं 1.5 घंटा खेला गाइस, 1.5 घंटा हाँ। और गाइस बोर्ड गाइस एक नंबर था गजब, तो बस अभी चलते हैं अपन भी फटाफट घर। वैसे भी गाइस बहुत भूख लगी, पहले मेरा मन था यहीं कुछ खा लेते, लेकिन हेलमेट और ये सब साथ में आया तो रखने का प्रॉब्लम होता है, मैंने बोला अभी क्रिश का भी मन था खाने का, तो ये सोचा कि अभी फटाफट घर चलते हैं, हेलमेट ऊपर रख लेंगे फिर नीचे आ जाएंगे कुछ खाने के लिए। ऐसे गाइस बाइक सही है, लेकिन जब साथ में हेलमेट होता है तब थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है हेलमेट पकड़ने में, और थोड़ा ये गोप्रो के साथ हेलमेट होता है तो थोड़ी और ही बोलते हैं ना, और थोड़ा केयर से पकड़ना पड़ता है, वरना गोप्रो कुछ हो गया तो मोटा ब्लॉग का बहुत कुछ हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है, देखिए आज भी कितना जाम है, अभी तो एनएस रोड चल रहा है गाइस, और इसके आगे जो स्टान रोड आना बाकी है अभी, और एनएस रोड भी आज इतना जाम है, तो स्टान रोड पे आप गाइस अंदाजा लगा ही सकते कितना जाम होगा। बहुत जाम है गाइस, पर अभी बज रहे 7, पूरा बोलते ना पीक टाइम है ऑफिस का। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास, और देखिए आज यहाँ भी इतना जाम है गाइस, ऑफिस टाइम में गाइस इतना जाम होता ही है, और ऊपर से यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है गटर का, तो इसके वजह से भी थोड़ा जाम हो जाता है गाइस, क्या थोड़ा सामान रोड पे पड़ा रहता है इसीलिए। और तो बस ये फटाफट जाते हैं घर, हेलमेट को रखते हैं ऊपर, फिर आते हैं नीचे और खाते हैं कुछ चटपटा। गाइस बहुत भूख लगी है मुझे, तो थोड़ा पुचका खा लूँगा मैं, कोई पानी पूरी गाइस। तो गाइस 1 बजे रात के 9:15, तो बस मैं घर आ गया था करीब 7 बजे के आसपास, फिर नीचे गया था कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, मतलब भूख लगी थी, नाश्ता के लिए मैंने कुछ और खा लिया, तो मुझे नीचे जाते हैं मैक्सो वॉकिंग मैक्सो।
चले नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे खड़े, चलो 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 चलो। तो बस गए, मैं शॉपिंग करा के आता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। A few moments later. So guys, तो मैक्स को घुमाने के बाद मैं घर आया, डिनर किया और फिर नीचे गया था फ्रेंड्स के साथ और बैठा था। और ये बजे रात के 1:30, आप देख सकते हैं। और एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो बस गाइस, ऐसे उस्ताद का ब्लॉग। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।